हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी फर्स्ट वीडियो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन और प्रियम्बल देखेंगे। इंट्रोडक्शन और प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब होता है कि हमारा किसी भी एक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम आज इस दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले हम समझेंगे ट्रांसफर का मतलब और प्रॉपर्टी का मतलब। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब हमारे लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये पूरा एक्ट का नाम ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो इन दोनों का मतलब तो हमें पता ही होना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अ थिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अपनी किसी प्रॉपर्टी को, अपने किसी थिंग को कन्वे कर देना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको ट्रांसफर बोला जाता है। और प्रॉपर्टी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग फिजिकल, फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, विच इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। दैट इज क्लियर। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म करने के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज और सेकेंड इज बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, विच इज बाय द लॉ। बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज विच मीन्स which includes lease, sale, gifts, actionable claim. These are the provisions of transfer of property act, जिसको हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। और by the process of law, जिसमें ये होता है कि transfer which is made automatically by the process of law, transfer अपने आप law के द्वारा हो जाता है। जैसे एक बंदे की death हुई, उसने एक will बना के रखी थी, will के according ही properties आगे ट्रांसफर होती जाएंगी उनके लिए डिसेंडेंट्स को। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ में सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट टीपीए डज नॉट अप्लाई एनी काइंड्स ऑफ दिस ट्रांसफर एक्सेप्ट सेक्शन 57 पे भी ये अप्लाई होगा, चैप्टर 4 पे भी अप्लाई होगा। इन दोनों प्रोविजंस के अलावा टीपीए के किसी भी प्रोविजन पे बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 5 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। इट रेफर्स टू एन एक्ट डन बाय अ लिविंग पर्सन कन्वेइंग प्रॉपर्टी टू वन और मोर पर्सन और बाय हिमसेल्फ और बाय वन और मोर लिविंग पर्सन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब द एक्ट डन बाय अ लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी टू वन और अनदर मोर लिविंग पर्सन को। ठीक है, किसके द्वारा, अपने द्वारा या बाय वन और मोर पर्सन के द्वारा जो कि लिविंग पर्सन है और जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, और लिविंग पर्सन यहाँ इंक्लूड होते हैं कि कंपनी को भी लिविंग पर्सन बोला जाता है, एसोसिएशंस को भी लिविंग पर्सन बोला जाता है, इंडिविजुअल्स को भी लिविंग पर्सन बोला जाता है, जो कि कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड है और इनकॉर्पोरेटेड है इससे इसका कोई मतलब नहीं है, वो लिविंग पर्सन ही ट्रीट किए जाएंगे। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर From one person to another by transferring rights, liabilities, interest, ownership, rights and liabilities को transfer करके ही transfer of property हो सकता है। अगर इन चीजों में से एक भी चीज होती है तो transfer can be made। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं हो सकती है, चाहे वो rights हो चाहे liabilities हो, transfer of rights, liabilities, interest, possession, ownership, ये सब का ट्रांसफर होना जरूरी है या इनमें से किसी एक चीज का ट्रांसफर होना जरूरी है ताकि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके। ठीक है, और द पार्टीज कैन सेटिस्फाई आइदर और ऑल इंग्रेडिएंट्स, मतलब कोई एक भी सेटिस्फाई कर सकता है या सारे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता क्या है, व्हाट इज टीपीए 1882। अपने इंडियन लीगल सिस्टम में दो तरीके की प्रॉपर्टी की बात की जाती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर नॉट अटैच टू दी अर्थ एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर अटैच टू दी अर्थ। दिस एक्ट इनेक्टेड ऑन 17 February 1882, इट कंसिस्ट ऑफ 8 chapters, 137 sections और केम इनटू फोर्स ऑन 1 July 1882। दीज थ्री पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो डील करता है
ओनली ऑन मेनली डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज। और जो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज है वो डील किए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं सोगा से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। ओके और इसके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सेक्शन 5 to 37 है, दिस अप्लाइज टू बोथ ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। और जो सेक्शन 38 to 53A है वो सिर्फ अप्लाई होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। प्रियम्बल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करेंगे अब हम। इसका प्रियम्बल क्या बोलता है, तो ये बोलता है वेयर इट इज एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है नेसेसरी, जहां कहीं भी ये जरूरत लगेगा कि डिफाइन करना है, अमेंड करना है, या मतलब चेंजेस लाना है सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉज विच रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। मतलब कुछ डिफाइन करना है या अमेंड करना है, दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वन इज टू डिफाइन एंड टू अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ विच रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रियम्बल ये क्लियर करता है कि जहां कहीं भी ट्रांसफर होगा बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज वहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा, और जहां कहीं भी ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का वहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है ये वाला एक्ट। और फिर अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि सबको नोट करना चाहिए, तो ये प्रियम्बल में दो एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं, एक तो डिफाइन एक तो अमेंड। एक डिफाइन किया गया है, एक अमेंड किया गया है, मतलब इसमें कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं किया गया जो कि बाकी एक्ट्स में यूज किए जाते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी यूज किया गया है, और आईपीसी के, सीआरपीसी के, इन सबके प्रियम्बल में यूज किया जाता है टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर पावरफुल, टू मेक समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर। ओके तो इसका मतलब है ये एक्ट जो है कंप्लीट कोड नहीं है, कंप्लीट लॉ नहीं है। जो भी इंडिया में हर किस चीज के ट्रांसफर हो रहे हैं वो ट्रांसफर्स रेगुलेट नहीं होंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, ये बस रेगुलेट नहीं होंगे। ये एक्ट सिर्फ अमेंड और डिफाइन करने के लिए बना गया है।